दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। आज मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो पूजा बेटा, और क्या कर रही है? हो गया बेटी तेरा घर का काम? हाँ माँ, बस अब यति पूजा की 2 साल की बेटी को स्कूल से लाना है। अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक जाऊंगी। आप बताओ आप कैसी हो? क्या नाश्ता बनाया श्रेया भाभी ने? सब ठीक ही हूँ। क्या बताऊँ बेटा, ऐसा बेगत का खाना बनाती है तेरी श्रेया भाभी? पूछो मत, ऐसे मरीजों वाला खाना खाकर तो मैं और ही बीमार पड़ गई हूँ। अब मेरी बेटी पूजा की तरह सुगड़ बहू नहीं है ना? ओफो माँ, कभी तो श्रेया भाभी के लिए अच्छा सोचा करो। आपका बीपी बढ़ जाता है इसलिए भाभी कम तला भुना कम मसाले का खाना बनाती हैं और मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है उनके हाथ का खाना। कभी झूठे मुंह ही भाभी की तारीफ कर दिया करो जिससे उनको भी अच्छा महसूस होगा और आगे से बढ़कर आपके लिए और अच्छा खाना बनाएगी। उनकी अच्छाइयाँ देखिए आपका कितना ध्यान रखती हैं, सब कुछ समय पर देती हैं, दवाई से लेकर आपके खाने तक सभी चीजें आपको हाथों हाथ मिलती हैं। फिर भी पूजा श्रेया की बड़ाई करती बोली, सल छोड़ तू क्या समझेगी मेरा दुख। ओहो अच्छा माँ, सलो फोन रखती हूँ। यति को स्कूल से लाने का समय हो गया। उधर श्रेया की मम्मी का फोन आया, बेटा अपनी सास का अच्छे से ध्यान तो रखती है ना? रखती तो हूँ माँ, मगर फिर भी इनको हर वक्त शिकायत रहती है, कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिलाती। आज ही इनकी पसंद की मैंने साबूदाना की टिक्की कम तेल और मसाले में बनाई, मगर इनका वही रोना, कुछ ढंग का बना दिया कर। माँ आगे से आगे बढ़कर सब करती हूँ, मगर जाने इन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इनके साथ रहने का मन ही नहीं करता, हर वक्त मेरे लिए बस ताने ही उपहार में रखे हैं। श्रेया दुखी होते बोली, जाने दे बेटा, वो तेरी माँ जैसी ही है, बुजुर्ग है, इस उम्र में तो उनका मन करता ही है, मगर तू उनकी बात को दिल पर मत लिया कर। तुझे पता है तू उनके बीपी की वजह से ऐसा कम मसाले वाला खाना बनाती है। तू पूरी श्रद्धा से खाना बना और वो जो कहती है एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे। तू उनके लिए अच्छा कर रही है, बस उनके लिए एक बार अच्छा सोच कर।
खाना बना। एक बार सास के बारे में अच्छा सोच कर तो देख। श्रेया की माँ ढंडस बंधाती बोली, और माँ पूजा भाभी कैसी हैं? वो तो मस्त हैं। सब चीजों का इतने अनुशासित तरीके से ध्यान रखती हैं कि मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तो कहती हूँ, आखिर तेरी सास ने अपनी बेटी को इतना निपुण बनाया है तो भला कुछ तो अच्छी बात होगी। हमारे तो भाग खुल गए कि तेरी पूजा जैसी नंद हमारे घर की बहू बनी। हाँ माँ, आप सास भी तो कितनी अच्छी हैं जो अच्छा सोचती हैं। पूजा भाभी के साथ आप भी तो यति का कितना ध्यान रखती हो ताकि पूजा भाभी भी अच्छे से अपना नौकरी कर सके। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। श्रेया दुखी लहजे से बोली, तेरा भी सब अच्छा है, बस एक बार अच्छा सोचना शुरू कर। सल अब फोन रखती हूँ, यति को खाना खिला दूँ। दरअसल पूजा और श्रेया दोनों ननद भी हैं, एक दूसरे की और भाभी भी हैं। जहाँ पूजा और उसकी सास श्रेया की मम्मी एक दूसरे की तारीफ करते, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, वही श्रेया और उसकी सास पूजा की मम्मी दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं। पूजा और उसकी सास इन दोनों को समझाते रहते हैं मगर कोई सुनता ही नहीं है। जहादा सर ऊपर पानी सड़ता देख पूजा और उसकी सास ने एक तरकीब निकाली। पूजा ने अपनी मम्मी को फोन लगाया, माँ आज तो मेरी श्रेया भाभी से बात हुई, वो कह रही थी पूजा भाभी आपकी मम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। आज तो मैं उनके लिए उनकी पसंद की मटर पनीर बनाऊंगी। हैं क्या बात कर रही हैं, तू सच कह रही हैं? हाँ माँ एकदम सच, देखना आज आप मटर पनीर खाएगी मस्त वाला। उधर श्रेया की माँ ने श्रेया को फोन कर कहा, आज तो समदन जी तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि पूरी दुनिया में मेरी बहू श्रेया जैसा मटर पनीर कोई नहीं बनाता, कभी कभी बनाती हैं मगर सच में बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। इस सब्जी में तो मेरी बहू के हाथों में जादू है। एक तो मेरी बहू मुझे कभी रसोई में घुसने नहीं देती, इतना आराम तो किस्मत वाली सास को ही मिलता है। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे श्रेया जैसी बहू मिली। धन्यवाद समदन जी, क्या बात कर रही हो माँ? सासू माँ ने ऐसा कहा। क्या सच में? पूजा आश्चर्य से बोली, अरे हाँ रे, अब जहादा मत सोच, सब अच्छा होगा। जाकर अपने हाथों का जादू बिखेर। श्रेया की मम्मी फोन रखती बोली, श्रेया बड़ी खुश, बहुत अच्छे से उसने सब्जी बनाई, थोड़ी और लीजिए ना मम्मी जी, कैसी बनी है।
हैं, इसे क्या हो गया आज तो पूछ रही हैं। लगता है दिल से ही बनाई हैं, खाकर देखती हूँ, सोचते मुँह में डालते ही ऐसा मलाई जैसा, पनीर मुँह में रखते ही गुल गया कि अचानक उनके मुँह से निकल पड़ा। बहुत ही स्वाद है तेरे हाथ का खाना ही तो मुझे पछता है। मजा आ गया आज तो, नजर ना लगे मेरी बहू को किसी की। श्रेया की सास लाखों दुआएं देती, उसकी बलाई लेती, श्रेया सोचते बोली अरे वाह ये क्या चमत्कार है। माँ तुम सही कहती थी, आज मैंने दिल से अपनी सास के लिए अच्छा सोचते उनके लिए खाना बनाया है। अब मैं सदा अच्छा सोचूंगी इनके बारे, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, ये मेरी यशोदा मैया है। खुश होते उसने अपनी माँ को फोन पर बताया, देखा बेटी मैं कहती थी ना, हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो देर सबेर हमारे प्रति उनकी भी भावनाएं बदल जाएगी। खुश रह बेटी, कहते दूसरी तरफ पूजा को थम्स अप दिखाई जैसे कह रही हो हमारी योजना सफल रही। अब श्रेया सास के साथ बैठती, उनके लिए कम तेल का तरह तरह का खाना, उनके प्रति सद्रा भाव रखती। जब श्रेया ने ऐसा करना शुरू किया तो फिर सास भी श्रेया का ध्यान रखने लगी, उसे बहू से बेटी ही समझने लगी। आलम ये था कि अब श्रेया के बीमार पड़ने पर वही सास जो कभी श्रेया की बीमारी नाटक समझती थी उसके पेट में मालिश करती, अक्सर कहती मैं तो पहले ही कहती थी इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, लेकिन तू फिक्र मत कर, ये तेरी सासू माँ अभी जिंदा है, तुझे जल्द ठीक कर देगी। और श्रेया कृतज्ञता भरी नजरों से अपनी सास के गोदी में सर रख देती। अब श्रेया समझ चुकी थी सब के प्रति शुभ भावना रखने से दुआएं खुद को ही मिलती हैं।